नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि सरगुजा जिले सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब का धंधा तेजी से फल फूल रहा है, तो वहीं अब अवैध शराब के इस धंधे में इंजीनियरिंग पास आउट हो चुके युवा भी सम्मिलित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अंबिकापुर में चोरी के आरोपी को पकड़ते हुए पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी पर दबिश देकर एक नाबालिग सहित तीन लोगों पर कार्रवाई की है। तो वहीं पुलिस ने 460 लीटर अवैध महुआ शराब और 1100 लीटर गुड़ और महुआ का पाज और एल्कोहल मीटर सहित अन्य सामानों को जब्त किया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में महुआ शराब को नष्ट करा दिया गया। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पंप चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें हम लोग आरोपी जयदीप हलदर 32 साल का है, उनको पकड़े थे, जो सरगावा का रहने वाला है। उससे पूछताछ करने में वो अपना चोरी का स्वीकार किया था और पंप को कहीं बेचना बताया था। तो उसको उसके साथ मौके पे टीआई गांधीनगर उनके टीम के साथ मैं मौके पे पहुंचा था और वहाँ पे देखने से ये पता चला कि एक अवैध तरीके में महुआ शराब का कारोबार चला रहा था। उसमें तीन आरोपी थे, एक का नाम है कमल सिंह जो अपना मेन आरोपी है, 30 साल का है, और एक मोहित सिंह नाम का लड़का है 26 साल का, और एक नाबालिग लड़का है। सभी को कुछ अवैध कोयला भी मिला है, जो गर्म करने के लिए कोयला यूज होता है वो भी मिला है, और अभी पूरा जब्त करके हम लोग उनको उनके ऊपर 34-2 का कार्रवाई करके आबकारी एक्ट के तहत 34-2 का कार्रवाई करके उनको अभी विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में स्थित हनुमान मंदिर मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज को शॉल और पुष्पहार पहनाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विधायक राजेश मूढ़त, रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव के समय में बुलडोजर से प्रचार प्रसार के बाद अब इसके चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अवैध अतिक्रमण के बाद अब हत्या, लूट डकैती जैसे बड़े अपराधियों की संपत्ति को नेस्तनाबूत करने की पहली कार्रवाई कवर्धा में हत्या के आरोपी अयाज खान की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। कवर्धा में गौ सेवक हत्या के मामले में आरोपी अयाज खान की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए गौ सेवक साधराम यादव के हत्यारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यादव की हत्या के बाद ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। मौके पर SDM, तहसीलदार, नगर पालिका की टीम और SP भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की ये पहली कार्रवाई हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने कई सभाओं में बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र किया था। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने अतिक्रमण और अपराधियों पर बुलडोजर चलवाने की बात कही थी। जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि अब अपराधियों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाकर बीजेपी सुशासन का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते कवर्धा जिले के सिटी कोतवाली में लालपुर मर्डर के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला ने बुलडोजर को आतंकवाद का पर्याय बताते हुए अपराधियों पर संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, बुलडोजर विध्वंस और आतंक का पर्याय है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विध्वंस और आतंक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, विधि सम्मत काम नहीं किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान भारत देश में लागू है। उस संविधान के अनुसार, उस कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अपराध के लिए उसके परिवार को दोषी नहीं माना जाना चाहिए।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में है। एक ओर जहां योजनाओं के वादों को पूरा करने की कवायद चल रही है, तो दूसरी ओर सरकार बनने से पहले जो जो बातें बीजेपी द्वारा कही गई थी उन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इसका असर आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या नुकसान, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों का विरोध भी होने की संभावना है। रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बेमित्रा जिला के दौरे पर रहे, जहां जिले के नवागढ़ ब्लॉक के जूनी सरोवर धाम ढंढनी पहुंचे, जहां दुर्गा शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं जूनी सरोवर धाम में आए क्षेत्रवासियों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और कहा कि यह जनता के स्वागत से अभिभूत हो। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच होगी, मोदी जी के सभी गारंटी पूर्ण की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमित्रा जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद पहली बार बेमित्रा आ रहे हैं। वहीं नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम ढंढनी में एक दिवसीय जूनी सरोवर मेला का आयोजन होगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री दयाल दास भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम हेलीकॉप्टर से जूनी सरोवर मेला स्थल पहुंचेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की छठवीं बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अभी 660 देशी विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 16 वर्ष पुरानी आबकारी नीति में बदलाव किया है। सरकार के इस निर्णय को शराबबंदी की ओर अग्रसर माना जा रहा है। हालांकि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का कोई वादा नहीं किया था, इसके बाद भी सरकार शराब पर अंकुश लगाने की दिशा में देख रही है। बजट सत्र फरवरी मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्राविधान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में तीनों क्लस्टर की बैठक हुई। इसमें यह तय किया गया कि 31 जनवरी तक सभी 11 लोकसभा में कार्यालय खोल दिए जाएंगे। चुनाव के लिए तीन तरह की प्रबंधन समितियां बनाने का भी निर्णय लिया गया। इन समितियों के संयोजक के नाम भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां इंडिया गठबंधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्थिति यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही आमने सामने है, और दिल्ली में वहां पर समझौता की बात हो रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 10,000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने निर्धारित किया है। बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की पहली लोकसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें बस्तर लोकसभा क्षेत्र से आने वाले सभी 5 जिलों के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव निकट आ गया है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए संकल्प के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता कर्मठता से कार्य करे। बस्तर की भूमि जगदलपुर में आज लोकसभा स्तरीय हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं की हम लोगों ने बैठक रखा है।
और यह बैठक आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक समाज की अधिक से अधिक भागीदारी हो। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो दो तीन कार्यक्रम प्रमुख तय किए हैं, मोदी मित्र बनाने का और जो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ऐसे लाभार्थियों से स्नेह संवाद कार्यक्रम का, और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और मोदी सरकार की योजनाओं का जो लाभ हमारे समाज के लोगों को मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम सब आज हमारे बस्तर लोकसभा के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने आए हैं। आज जगदलपुर में लोकसभा स्तरीय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक रखी गई है, जिसमें हमें हमारे 6 जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में हमें किस तरह से कार्य करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी और हम आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जीत कर आएंगे और फिर देश में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हम आगे जीत पाएंगे। तो वहीं राज्य सरकार ने 13 IAS अफसरों के प्रभार में फेरबदल किया है। इनमें 2008 बैच के IAS राजेश सिंह राणा का कद बढ़ा दिया गया है। उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। यह विभाग उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास है। वहीं राजेश सिंह राणा के पास CEO राज्य कौशल विकास विभाग और CEO क्रेडा का भी दायित्व है। क्रेड मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ही विभाग है। वहीं 2014 बैच के IAS अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी को आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवा का जिम्मेदारी मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 IAS अफसरों को फेरबदल किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अगली खबर जगदलपुर से है, जहां गणतंत्र दिवस की तैयारी का अंतिम रिहर्सल किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे रहे। उन्होंने ध्वजारोहण की परेड की सलामी ली। इस अवसर पर IG सुंदर राज पी, कलेक्टर विजय दयाराम, के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने तैयारी से संबंधित कमियों को समय से पहले पूरा करने का आदेश दिया। इस साल परेड की कमान DSP राहुल शर्मा के हाथों में। जिसमें सभी प्लाटून्स के आज का परफॉर्मेंस का आकलन किया गया और उसमें जो कुछ कमी है उसको सुधार के लिए एक और छोटा सा रिहर्सल किया जाएगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री भी उस दिन उपस्थित रहेंगे, तो सुरक्षा के मापदंड का सारे उसका पालन करते हुए पर्याप्त संख्या में यहाँ पे बल लगाई जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि लोग इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। तो वहीं अगली खबर कोरबा से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं खेल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दौरान विभिन्न प्लाटून ने परेड का आयोजन किया है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की जाएगी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस आयोजन को लेकर खेल मैदान में अंतिम रिहर्सल की गई। वहीं कलेक्टर अजीत बसंत, SP जितेंद्र शुक्ला के साथ जिला पंचायत CEO प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही अंतिम रिहर्सल के दौरान परेड सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंतिम अभ्यास किया गया। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल थी। 26 जनवरी के पहले एक दिन गैप देके हम लोग फुल ड्रेस रिहर्सल देते हैं ताकि पूरी तैयारी हम मिनट टू मिनट चेक कर सकें कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, उसी का आज आयोजन था। और टोटल 9 प्लाटून परेड में शामिल हो रही हैं, CISF, जिला बल, CAF, नगर सेना, NCC और भारत स्काउट के मिला के। और उम्मीद करते हैं कि परसों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड बहुत अच्छी रहेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर धमतरी से है, जहां अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहे आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं कार की तलाशी लेने पर 162 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है, जिस पर नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लगातार जो नाके हैं उसमें चेकिंग चलती रहती है। इसी तारतम्य में मेचका थाना क्षेत्र के अंतर्गत साकरा के पास जब चेकिंग चल रही थी तो अचानक एक एमएच पास से उनकी गाड़ी आ रही थी। पुलिस को देख के संदिग्ध गाड़ी पलट के भागने लगी तो पुलिस ने पीछा किया तो एमएच पासिंग की इस गाड़ी को रुका तो चालक उसमें से उतर के फरार हो गए थे। पुलिस ने काफ़ी दूर पूछा किया पर उन्हें पकड़ा। मैं गाड़ी में आके चेक किया गया तो गाड़ी की डिक्की जो कि टाटा जेस्ट है इसमें 162 किलो के लगभग गांजा मिला जिसे पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है और इसको लिखा पड़ी आगे कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 5 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली कमांडर जयलाल ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली संगठन में परलकोट LOS कमांडर के रूप में सक्रिय था। पुलिस पार्टी पर हमला करने और ग्रामीणों की हत्या समेत कई घटनाओं में ये शामिल था। नारायणपुर पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण माओवादी जयलाल पिछले 17 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। नारायणपुर के अलावा कांकेर और बीजापुर जिले में भी बड़े नक्सली लीडरों के साथ काम कर चुका है। नामी सक्रिय माओवादी जयलाल कवाची द्वारा पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। यह माओवादी कुतुर एरिया कमेटी के अंतर्गत परलकोट LOS कमांडर के पद पर कार्यरत था। विगत 17 वर्षों में जिला नारायणपुर सहित जिला बीजापुर एवं कांकेर के कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहा है। जयलाल कवाची की पत्नी मासे वर्तमान में कुतुर LOS कमांडर के पद पर कार्यरत है। आत्मसमर्पित नक्सली को पुलिस अधीक्षक नारायणपुर द्वारा 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई एवं अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ने की अपील भी की। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।